हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूएल के इस कोर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें हम एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमने तय किया था कि इस कोर्स में हम सबसे पहले एचटीएमएल पढ़ेंगे, फिर सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर जेक्वेरी, देन स्टार्ट करेंगे पीएचपी और फिर माइस्क्यूएल। तो अभी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एचटीएमएल से, तो ये देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी लाइक सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है जब उसमें डिसीजन लेने की कुछ कैपेबिलिटी हो, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो। जैसे आप इफ एल्स का यूज़ करते हैं या आप लूप लगाते हैं, स्विच केस का यूज़ करते हैं, तो ये फीचर्स अगर आपको लैंग्वेज में मिलते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ताकि आप ऐसा प्रोग्राम बना सकें जिसमें आप वेरियस स्टेजेस पर डिसीजन ले सकें। लेकिन HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसे हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज यानी कि इस पूरी लैंग्वेज में कई मार्कअप टैग्स हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये केस इनसेंसिटिव है, यानी आप कैपिटल या स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। HTML लैंग्वेज में सिर्फ मार्कअप टैग्स ही टैग्स यूज किए जाते हैं, यानी मुझे एक पेज पर क्या क्या कंटेंट दिखाना है, इमेज दिखानी है, एक लिस्ट दिखानी है, मुझे एक हाइपरलिंक दिखाना है, मुझे पैराग्राफ दिखाना है, मुझे हेडिंग दिखानी है, मुझे जो भी एलिमेंट पेज पर दिखाना है उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कअप टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर मार्कअप टैग्स कीवर्ड की तरह हैं। जैसे आप सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरियस कीवर्ड्स देखते हैं, वैसे ही समझिए कि ब्राउज़र जब HTML में लिखे प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसमें मार्कअप टैग्स को, उन खास शब्दों को देखकर ही समझ पाएगा कि एलिमेंट एक हेडिंग है या पैराग्राफ है। जब भी आप HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो उस फाइल को सेव करते वक्त एक्सटेंशन यूज़ करिए .html। HTML डेवलप हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम में, और जो HTML का करंट वर्जन चल रहा है वो है HTML5। HTML सीखने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपको आपके कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है जैसे नोटपैड। तो आप प्रोग्राम लिखने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे, और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। हमें कोड लिखने के लिए सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना होगा। जैसे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये नोटपैड है, और जो भी कोड मुझे लिखना है इसके अंदर लिखना है। इस फाइल को जब मैं सेव करूँगा तो सेव करते वक्त मैं एक्सटेंशन यूज करूंगा .html, जैसे मैंने लिखा home.html। इस तरह से मैं फाइल को सेव करूंगा, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन .html रखना ना भूलें। पर इस प्रोग्राम को जब कभी आपको रन करना है तो आपको ब्राउजर की मदद से उसको एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे ये एक फाइल है home.html, तो अगर इस फाइल को मैंने HTML लैंग्वेज में बनाया है तो ये देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है, जिसके अंदर HTML लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। तो ये देखने में एक प्लेन टेक्स्ट की तरह नज़र आ रहा है। तो जब भी मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ करके नोटपैड से इसको ओपन कर सकता हूँ, या नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर से भी ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ में ब्राउज़र की मदद से, किसी भी ब्राउज़र की मदद से ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं किसी ब्राउज़र की मदद से ओपन कर रहा हूँ तो ये पेज मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप इस पेज पर भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं तो आपको इस पेज का पूरा कोड नज़र आता है। इनफैक्ट आप किसी भी वेब पेज की कोडिंग अगर देखना चाहते हैं तो जब आप इंटरनेट पे कई वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करिए, आपको उसका पूरा कोड दिखाई देने लगेगा। और इस कोड को देखिए, ये बिल्कुल एक टेक्स्ट की तरह है, प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब ब्राउज़र इसको पढ़ता है तो उसकी नज़र में ये इस तरह का, यानी ब्राउज़र पढ़ेगा तो वो इस फाइल को पढ़ रहा है, इस प्लेन टेक्स्ट को पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ के समझ जाता है चीज़ों को, तो वो हमारे को जब दिखाएगा तो कुछ इस फॉर्मेट में दिखाएगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट कुछ अलग है और दिखने में वो कुछ अलग लगेगा। तो ये ब्राउज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
HTML एलिमेंट्स क्या है? हर वो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो एक पेज पे दिखाई दे रहा है वो एक HTML एलिमेंट है। जैसे अभी हमने पेज देखा, इसमें ये एक एलिमेंट है जिसको हम हेडिंग बोल सकते हैं, ये एक एलिमेंट है जिस पे हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जैसे अभी हमने पेज देखा और इसकी एक कोडिंग भी देखी, आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग होता है और स्टार्टिंग टैग जैसे टाइटल स्टार्ट और टाइटल क्लोज या फिर H1 स्टार्ट और H1 क्लोज या फिर फॉर्म स्टार्ट फॉर्म क्लोज या और भी कोई देख सकते हैं आप एलिमेंट, ये स्पैन टैग स्टार्ट स्पैन टैग क्लोज। तो आप देख सकते हैं HTML एलिमेंट का एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। द एलिमेंट कंटेंट इज एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग, यानी स्टार्ट टैग जैसे ये स्पैन है और ये एंड टैग, इसके बीच में जो कुछ भी है वो उस एलिमेंट का कंटेंट माना जाता है। जैसे टाइटल का कंटेंट है फॉर्म एग्जाम्पल, या H1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये कहलाता है कंटेंट। मोस्ट HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जैसे ये H1 एक एलिमेंट है, इसके अंदर अलाइन एक एट्रीब्यूट है, यानी H1 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेट करने का एक तरीका। एट्रीब्यूट को आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो हर एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं इस तरह से एट्रीब्यूट लिखकर और उसकी वैल्यू लिखकर। आप देख सकते हैं कई एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। वैसे तो आपको यहाँ अलग अलग कलर में चीज़ें बहुत आराम से डिस्टिंग्विश होते हुए दिखाई दे रही होंगी। जो हमें यहाँ पे पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है वो सभी टैग्स हैं, मार्कअप टैग्स हैं। इसके अलावा जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो कंटेंट है। इसके अलावा जो ये ऑरेंज से कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर्टी का नाम है, दैट इज एट्रीब्यूट। और जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। पूरे पूरे पेज में आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमें कोई एलिमेंट अगर लिखना है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, तो पी टैग स्टार्ट लगाना होगा। ये टैग्स हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें एक स्लैश लगा होता है, फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है, तो यही पहचान होती है कि ये क्लोजिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग है। और जो कुछ इसके बीच में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं इस एलिमेंट का कंटेंट। हमें अपने पेज की स्टार्टिंग में हमेशा लिखना चाहिए ये लाइन, जिससे पता चल रहा है कि हमारा पेज HTML5 वर्जन के रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। हमारे पेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं उसमें तीन इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट के HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग, ये तीनों टैग्स डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी जो हम कोड देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं ये HTML टैग लगा हुआ है जिसका स्टार्टिंग है और नीचे इसके क्लोजिंग भी है। ये हो गया आपका सबसे पहला टैग, रूट टैग भी बोल सकते हैं आप इसको, यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्वैश कर रहा है, लिमिट कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक हेड टैग है, हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग क्लोज। तो कुछ चीज़ें हमने हेड टैग के अंदर लिखी हुई हैं, जबकि एक और टैग है बॉडी टैग, बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज। आप देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक पेज में HTML टैग होता है जिसके अंदर सारा कोड आएगा, और उस कोड को दो भागों में बांटा हुआ है, हेड टैग और बॉडी टैग के द्वारा। हेड टैग में पूरे पेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, जबकि बॉडी टैग में वो एलिमेंट्स होते हैं जो डिस्प्ले होंगे। तो एक ब्राउज़र को पेज भले ही प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखाई देता है, पर वो उस प्लेन टेक्स्ट को रेंडर करके
आपको एक डिस्प्लेबल कंटेंट के रूप में दिखाई दिखाता है। तो HTML टैग रूट एलिमेंट है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यहीं से पेज स्टार्ट होगा, यहीं पे पेज एंड होगा। फिर हेड टैग की बात करें तो हेड टैग में कुछ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन रहती है। कई बार हमारे HTML पेज से एसोसिएटेड कुछ और फाइल्स होती हैं, जैसे CSS फाइल या JavaScript फाइल, तो उनको अटैच करने के लिए जो लाइंस मैं लिखूंगा वो हेड टैग के अंदर लिखूंगा। इसके अलावा मैं पेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रखना चाहता हूँ, कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ, तो वो सब कुछ भी मैं हेड टैग के अंदर ही रखता हूँ। इसके बाद बॉडी टैग है, जिसमें डिस्प्लेबल कंटेंट होगा HTML का। तो पूरे पेज का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा कि आप HTML टैग स्टार्ट क्लोज करेंगे, उसके अंदर एक हेड टैग होगा, उसके अंदर एक बॉडी टैग होगा। आपको अगर HTML में कहीं पर भी कमेंट्स लिखने हैं, यानी वो लाइंस जिसको ब्राउजर रेंडर नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, वो एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के दो बार हाइफन लगा के स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं दो हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोजिंग से। तो इस तरीके से आपने देखा आज HTML का इंट्रोडक्शन। HTML में तमाम टैग्स को पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, आपको लगता है ये काफ़ी यूज़फुल है दूसरों के लिए भी तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस लेक्चर में कुछ आपको डाउट्स हैं या कुछ शिकायत है या कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भेज सकते हैं, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर मेरे दूसरे चैनल्स भी जानने हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं और आप ढूंढते हैं नहीं मिल पाते हैं आसानी से, तो आप मेरी एक वेबसाइट है mysergi.com, आप इस पर विजिट करें और इसके होम पेज पर ही आपको राइट साइड में लिंक्स मिल जाएंगे सभी चैनल्स के, जितने भी मेरे चैनल्स यूट्यूब पे चल रहे हैं। तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके सीधे यूट्यूब के उस पेज पर पहुँच जाएंगे जो चैनल का होम पेज है। वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर चैनल के सभी वीडियोस की लिस्ट देख पाएंगे, आप उनकी प्लेलिस्ट देख पाएंगे और जो भी आपको डिजायर्ड वीडियो चाहिए हैं वो वहाँ पे आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। थैंक यू।